दोस्तों एक तरफ फिल्म हनुमान के डायरेक्टर के विजन की लोग जम के तारीफ और सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं। ये जो पूरा ऐसा मनी मिल जाता है और फिर अचानक से शक्तियां जग जाती है, ये भाई हनुमंतु जो कैरेक्टर है उसको क्यों चुना गया था, क्यों चूज किया गया था? हाँ भाई, इस वीडियो में हम इस पे भी बात करने वाले हैं कि हनुमंतु ही क्यों, हनुमान जी की शक्तियों के लिए उसे ही क्यों चुना गया। प्लस देखेंगे कि ये राक्षस सेना रुधिरामणि के टूटते ही क्यों युद्ध की तैयारी में लग गई, क्या है रुधिरामणि और उन राक्षसों का कनेक्शन, और देखेंगे कि नेक्स्ट फिल्म जय हनुमान में हमें क्या देखने मिलेगा, जिसकी हिंट्स हमें इसी फिल्म में ही दी गई थी। तो क्या थी वो हिंट्स? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रियल डिटेक्टिव में, मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। तो फिर चलिए करते हैं आपकी शंका का समाधान। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि प्रतीक बोराडे जी का और उनके ओपिनियन का मैं हमेशा से सम्मान करता हूँ, लेकिन इस बार उनके ओपिनियन के विपरीत मेरा एक ओपिनियन है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक सम्मान पूर्वक पहुँचाना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने ओपिनियन सम्मान पूर्वक कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो प्रतीक जी बोल रहे थे, प्रकार से चमत्कार से शक्तियां प्राप्त होना, कोई मणि से शक्तियां प्राप्त होना, ये बात हमारे सनातन संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों के बिल्कुल ही विपरीत है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करनी है, तो आपको तपस्या, तितिक्षा, एकांतवास, सात्विक आहार पर इसके आधार पर ही हमें शक्तियां प्राप्त होती है। हाँ सच में वो सही बोल रहे हैं, लेकिन अगर हमारी हिस्ट्री की बात करें तो तपस्या, एकांतवास, सात्विक आहार के साथ साथ हमारी सभ्यता पुनर्जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के प्रभाव को भी मानती है, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमें धार्मिक ग्रंथों में भी देखने मिलते हैं। महाभारत में अम्बा देवी भीष्म पितामह जी से बदला लेने के लिए भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करती है, और अगले जन्म में एज शिखंडिनी जन्म लेती है और उनसे बदला लेती है। यहाँ पिछले जन्म में किए हुए तपस्या का उन्हें अगले जन्म में फायदा मिलता है। उसके बाद कलयुग में भी हम अपने आसपास भी पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव देख सकते हैं। कोई जन्म से ही हैंडीकैप होता है तो कोई बहुत सारी स्ट्रेंथ लेके पैदा होता है, कोई बड़े घर में पैदा होता है तो कोई बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में पैदा होता है, और ये सब पिछले जन्म के कर्मों का ही नतीजा होता है। सो मे बी हनुमंतु ने भी पिछले जन्म में तपस्या की होगी और सिद्धियां प्राप्त की होंगी जिसके बारे में उसे अभी पता नहीं है और हमें भी फिल्म में नहीं दिखाया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमें आने वाली प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्मों में देखने मिल सकता है। जैसे हनुमान जी एक ऋषि मुनि ने दिए हुए श्राप की वजह से अपनी शक्तियों को भूल गए थे, क्योंकि तब हनुमान जी में उन शक्तियों को संभालने की समझ नहीं थी, लेकिन जब वो काबिल हो गए तब जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं। वैसे ही हनुमंतु भी जब तक हनुमान जी की शक्ति संभालने के लायक नहीं था तब तक वो शक्ति रुधिरामणि के अंदर थी और पूरी तरीके से उसे नहीं मिली थी, यानी उसे रुधिरामणि की शक्ति यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता था, जैसे दिन चाहिए, आसमान क्लियर चाहिए, डायरेक्ट धूप चाहिए, ये सब। लेकिन जब उसकी बहन की मौत होती है और विभीषण जी की वजह से उसे अपनी जिम्मेदारी का सच में एहसास होता है, तब जाके रुधिरामणि के अंदर की असली शक्ति उसे मिलती है। ये एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन हो सकता है हनुमान जी और उनके रिप्रेजेंटेशन हनुमंतु में। दोनों को ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने के बाद ही एब्सोल्यूट पावर मिलती है। उसके बाद हमें ये भी देखना चाहिए कि हनुमंतु अपनी शक्ति का यूज लोगों की भलाई के लिए करता है और विलन उन्हीं शक्तियों का यूज बुरे कामों के लिए करना चाहता था। यहाँ हमें इंसान की नीयत देखनी चाहिए। अगर बुद्धि भी है, शक्ति भी है, वो पर वो तमस के गुण से भरपूर है कि आप उसका उपयोग कहाँ कर रहे हो, लोगों को परेशान करने में, लोगों पर अत्याचार करने में, आप ही भगवान हो ये मान लेने में, उनको हम विलन मानते हैं। और जो सात्विक, जिनकी बुद्धि सात्विक है, जिनके कर्म सात्विक है, जिनकी ये शक्ति सात्विक है, और दूसरों के भलाई के लिए जो करता है वो हीरो है। और उसी नियत के आधार पे कौन हीरो है और कौन विलन ये डिसाइड होता है, और इसीलिए भी हनुमंतु इन शक्तियों के लिए एकदम सही कैंडिडेट था। तो भाई मुझे नहीं लगता यहाँ चोजन वन का कंसेप्ट गलती से भी प्रशांत वर्मा जी इस फिल्म में तो क्या इस यूनिवर्स की किसी भी फिल्म में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। एंड यस, हनुमंतु वॉज डेस्टिन्ड टू गेट दीज पावर्स। फिर आती है बारी सवाल नंबर दो की, कि क्यों मणि के टूटते ही राक्षस सेना किसी युद्ध की तैयारी में लगते हैं, क्या है रुद्रमणि और राक्षसों के बीच का कनेक्शन। यहाँ डायरेक्टर ने फिल्म को बहुत ही सीमलेसली फ्यूचर में होने वाले असुर कली और भगवान कल्कि के महायुद्ध से जोड़ा है, जब कलयुग में अधर्म अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि असुर कली से युद्ध करेंगे, जिसमें उनको 7 चिरंजीवियों का साथ मिलेगा। और जैसा कि हमें पता है, ये 7 चिरंजीवी कलयुग के अंत तक यहाँ धरती पे मौजूद तो होंगे, लेकिन ध्यान धारणा
में होंगे, नॉर्मल इंसान से एकदम दूर। लेकिन जैसे ही असुर कली और भगवान कल्कि का युद्ध करीब आएगा, ये सातों चिरंजीवी भगवान कल्कि को मदद करने नॉर्मल इंसानों के बीच आएंगे। और यहाँ फिल्म में इन सातों चिरंजीवियों में से हमें हनुमान जी और विभीषण जी नॉर्मल इंसानों के बीच आए हुए देखने मिलते हैं, जो एक सिग्नल हो सकता है कि अब टाइम आ गया है अंतिम महायुद्ध का। और ये जो सेना हमें देखने मिलती है, ये असुरों की सेना है और इनका लीडर हो सकता है असुर कली। अब देखते हैं रुधिरामणि और इन असुरों का कनेक्शन। जब रुधिरामणि का हनुमंतु फर्स्ट टाइम यूज करता है, तभी विभीषण जी बोलते हैं ये तो रुधिरामणि के लिए धर्म युद्ध का आरंभ है। यानी उनको ये पता था कि रुधिरामणि जैसे ही बाहर आएगी, उसकी ताकत को पाने के लिए असुर कोशिश करेंगे। ये मणि तो अब सही हाथों में है, लेकिन असुरों से लड़ने के लिए हनुमंतु अभी तक तैयार नहीं है। इसीलिए उसे असुरों से लड़ने के लिए तैयार करने वाले हनुमान जी को विभीषण जी यहाँ याद करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ और एंड में भी विभीषण जी हनुमान जी को असुरों से लड़ने के लिए नहीं, हनुमंतु को तैयार करने के लिए याद कर रहे थे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब एंड में ये मणि टूटता है और हनुमान जी के खून की बूंद बाहरी एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आती है, उससे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन निकलता है। इस वाइब्रेशन से असुरों को हनुमान जी के पावर सोर्स की लोकेशन पता चल जाती है। अब यहाँ हनुमंतु को ये शक्तियाँ तो मिल गई है, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे करना है ये उसे पूरी तरीके से पता नहीं है। अब आप बोलोगे कि उसने तो हनुमान जी की शक्तियों के अंश से ही विलन को हरा दिया, तो उसे तो पता है कि कैसे यूज करना है। लेकिन भाइयों, विलन तो सिर्फ एक इंसान था, और अब हनुमंतु का सामना होने वाला है राक्षसों से, जो इस सूट वाले विलन से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और ज्यादा संख्या में है। तो इनका सामना करने के लिए हनुमंतु को इन शक्तियों के उपयोग के साथ साथ युद्ध नीति भी सीखनी होगी। तो अब मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि मे बी उस शक्ति की तलाश में ये असुर हनुमंतु तक पहुँच जाएंगे, और मे बी फिल्म जय हनुमान में हमें हनुमंतु की ट्रेनिंग और ट्रेनिंग करते हुए उसका असुरों से सामना देखने मिल सकता है। अब देखते हैं तीसरा और चौथा सवाल कि क्या हनुमान जी और बाकी छह चिरंजीवी भगवान कल्कि के साथ खुद युद्ध में उतरेंगे। क्या रहेगा इन सात चिरंजीवियों का इसमें रोल? तो मुझे नहीं लगता कि ये सातों चिरंजीवी युद्ध में खुद उतर के भगवान कल्कि के साथ लड़ेंगे, क्योंकि इनमें से हनुमान जी या भगवान परशुराम जी कोई एक भी युद्ध भूमि में उतरे तो 2 मिनट के अंदर अंदर सभी असुरों का सफाया हो जाएगा। और फिल्म में इससे कनेक्टेड एक डायलॉग भी है कि ये युद्ध मानव और असुरों के बीच होने वाला है। मानव तथा असुरों में एक महासंग्राम विधिलिखित है, जो ये दर्शाता है कि डायरेक्टर किसी भी भगवान या इन सात चिरंजीवियों में से किसी को भी खुद युद्ध में उतरते हुए नहीं दिखाएंगे। यहाँ जैसे हनुमंतु हनुमान जी का रिप्रेजेंटेटिव है, वैसे ही अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव उतारेंगे, और इन चिरंजीवियों से भगवान कल्कि को सिर्फ टेक्निकल हेल्प मिलेगी, जैसे हनुमान जी से अष्ट सिद्धियां, भगवान परशुराम जी से शस्त्र विद्या, और विभीषण जी ने जैसे भगवान राम जी को रामायण के युद्ध में स्ट्रेटेजिक हेल्प की थी, वैसे ही इस युद्ध में भी भगवान कल्कि को स्ट्रेटेजिकली हेल्प करेंगे। अब पांचवा और अंतिम सवाल, ये एक्चुअली कोई सवाल नहीं है, ये एक एक्साइटमेंट है कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा और आगे कौन कौन सी फिल्म्स आने वाली हैं। तो मैंने जितने भी प्रशांत जी के इंटरव्यूज देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग अभी टोटल 12 फिल्म्स प्लान की है, जो 2 फेजेस में आएंगी। फेज 1 में 6 फिल्में आएंगी, जिसमें हनुमान फर्स्ट फिल्म थी। उसके बाद इसी साल के एंड में या अगली संक्रांति पे यानी जनवरी 2025 में फिल्म अधीरा आएगी। उसके बाद आएगी जय हनुमान, जिसकी अनाउंसमेंट हमने फिल्म हनुमान के एंड में देखी थी। ये तो हो गई 3 फिल्में। अब आते हैं चौथी फिल्म पे, जिसका हिंट हमें इस कवर पे मिलता है। ये फिल्म होगी फीमेल सुपर हीरो की, जो माँ आदि शक्ति की पावर्स पे बेस्ड होगी। उसके बाद 5वीं फिल्म होगी, जिसका हिंट हमें यहाँ इस कवर पे मिलता है, जो आई थिंक बेस्ड हो सकती है चिरंजीवी अश्वत्थामा जी पे। इसके कवर पे लिखा है रिवेंज ऑफ द अनडेड। अब ये टाइटल किसी वरदान से ज्यादा श्राप लग रहा है, जो अश्वत्थामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने उनके मणि को निकालने के बाद दिया था कि तुम ये जख्म लेके इसी दर्द के साथ इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहोगे। ये अमर रहने का वरदान नहीं है, मैं तुम्हें अमर रहने का श्राप देता हूँ। उसके बाद 6th फिल्म होगी भगवान परशुराम जी के ऊपर, जिसका हिंट हमें इस कवर से मिलता है, जिसपे लिखा है एन अनब्रेकेबल ओथ। भगवान परशुराम जी ने अपनी माँ का अपमान और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए इस दुनिया के सभी क्षत्रियों को मिटाने की ओथ यानी
शपथ ली थी और शायद इसी अनब्रेकेबल ओथ के बारे में यहाँ लिखा है। और इसी फिल्म के साथ प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो हर साल संक्रांति पे इस यूनिवर्स की एक फिल्म आएगी और इसमें से सेकेंड फिल्म अधीरा पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुकी है। अभी सिर्फ थोड़े VFX के टचअप बाकी है। और एक खास बात की ये सभी फिल्में प्रशांत जी खुद डायरेक्ट नहीं करने वाले, तो एक साथ 2-3 फिल्म्स का काम चलता रहेगा और हमें नेक्स्ट फिल्म के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं इस यूनिवर्स को लेके बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बजट के साथ साथ क्वालिटी तो और भी इम्प्रूव होती जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ क्वांटिटी भी मिलेगी। दोस्तों मैं मानता हूँ कि ये फिल्म परफेक्ट नहीं थी, बहुत सी चीजों पे काम हो सकता था, लेकिन डायरेक्टर प्रशांत वर्मा जी का विजन और कॉन्फिडेंस की मैं दाद देता हूँ और हमें एज इंडियंस उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये एक ऐसे न्यू एज डायरेक्टर है जो हमारे रूट्स को, हमारी हिस्ट्री को बेस बना के हमारी और आने वाली नई जनरेशन के लिए हमारे देसी सुपर हीरोज की एक लेगेसी तैयार कर रहे हैं। अब 30 करोड़ के बजट में अगर वो इतनी अच्छी फिल्म बना रहे हैं तो सोचिए इनको 100 करोड़ ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन 100 मान के चलते हैं, तो 100 करोड़ का भी बजट मिल गया तो ये लोग पक्का मार्वल और DC के छक्के ही छुड़ा देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।